Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's. So we all were trying to solve our chapter number 3. So today I'll solve some questions. So let's start our class. So we all were trying to solve our exercise 3C. हम लोग exercise 3C solve करने की कोशिश कर रहे थे और इनमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे. Now I am going to solve your question number. I'll tell you only one part and you have to solve the second part by yourself. Second part आप लोग अपने मन से solve कीजिएगा. So our question number eight, part A. This is 6 into -3. Question number 8, part A. That is 6 into -3 into -2 into 1. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ पे ये 6 है और ये इंटू माइनस 3 है. तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ इसके किसी नंबर के सामने कोई भी सिंबल नहीं है तो हम लोग अज्यूम करेंगे प्लस का सिंबल है. सो आई टोल्ड यू दैट सिंबल्स इज मल्टीप्लाइड बाई सिंबल्स. सो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस. फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 into 3 करेंगे, है ना. हम लोगों ने अभी यहाँ ऊपर क्या किया, प्लस को मल्टीप्लाई किया है माइनस से. सो प्लस माइनस माइनस आता है. अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 6 into 3 करेंगे. 6 3 18, दैट मीन्स ये हमारा गया -18. अब हियर वी हैव इनटू -2 एंड इनटू 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. इसमें भी सिंबल को सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने आपको बताया था कि माइनस इनटू माइनस इट विल बिकम प्लस. 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 36. ठीक है, इनटू वन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 36 into 1. अब देखिए दोनों प्लस प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है. ठीक, इट मीन्स दैट प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है. 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट हियर 36. इट मीन्स दैट अब अगर हम यहाँ से प्लस को रिमूव करना चाहें तो प्लस को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर किसी नंबर के सामने कोई भी सिंबल ना हो तो उसकी मीनिंग ये होती है कि वो प्लस में है, कि दैट नंबर इज पॉजिटिव. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, जैसा हम लोग ने वो सीखा हुआ था उसी की हेल्प लेकर के ही हम लोग को ये सॉल्व करना है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8A जो कि मल्टीप्लाई करने हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now I am going to solve here question number 13. Question number 13 अब हम लोग solve करते हैं. ठीक, और इसके बाद देखेंगे इसमें हमें क्या values find करनी है. So in question number 13, a shopkeeper earns a profit of 4 rupee by selling a pen. एक pen को अगर वो sell करता है तो 4 rupee का उसे profit होता है. And loss of 1 rupee by selling a notebook. और अगर कोई एक notebook को sell करता है तो उसे 1 rupee का loss होता है. प्रॉफिट मीन्स कि उसे कितना फायदा हो रहा है, लॉस मीन्स उसे कितना नुकसान हो रहा है. फाइंड प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑन सेलिंग 3 पेन्स एंड 6 नोटबुक. अगर वो 3 पेन और 6 नोटबुक इसको सेल करता है तो आपको पता करना है कि ये सेल करने पर उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में सपोज हमारे पास ये क्या है, एक पेन है. ठीक, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पेन हियर. सपोज दिस इज योर पेन, ये एक पेन है अच्छा सा. ठीक, ये पेन है और एक नोटबुक है. नोटबुक मीन्स के सपोज कर लीजिए कि एक कॉपी है मोटी सी,
ये कॉपी है ठीक। अब जब इन दोनों को हम सेल करते हैं, इन दोनों को हमने सेल किया, अभी 1-1 सेल कर रहे हैं, 1-1 हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब हमने इस पेन को बेचा है, सेल किया है 1 पेन को, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपी का। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4 रुपी का, ठीक है। और ये अभी क्वांटिटी 1-1 है, कितनी क्वांटिटी है? 1 है। दैट मीन्स पेन हमारे पास, ये है पेन हमारा, ठीक है, और दैट इज नोटबुक, ये हमारी नोटबुक, यस। सो जब हमने एक पेन को सेल किया है तो हमें 4 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। जब हम नोटबुक ये सेल करते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है कि लॉस ऑफ 1 रुपी बाय सेलिंग अ नोटबुक, दैट मीन्स नोटबुक को सेल करने पे आपको 1 रुपी का लॉस हो रहा है, 1 रुपी का लॉस हो रहा है, लॉस में से घाटा हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 रुपी, ठीक है, लॉस हो रहा है। लॉस को हम डिनोट करते हैं निगेटिव से, डिनोट कर देंगे निगेटिव से, ठीक है, निगेटिव से। देखिए हमारी जितने भी क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज रुपी में हैं, तो अभी हम यहाँ से ये रुपी हटा दे रहे हैं, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हम रुपी में लिख देंगे, ठीक। अभी सिर्फ समझने के लिए हमने क्वांटिटीज सिर्फ लिख रहे हैं। तो जो 4 रुपी है ये प्रॉफिट हो रहा है एक पेन को सेल करने में, और एक नोटबुक को सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा है 1 रुपी का। तो माइनस सिंबल ये शो कर रहा है लॉस का, माइनस सिंबल शो कर रहा है लॉस होने का, ठीक है। तो उसी लॉस को हमने माइनस सिंबल से डिनोट किया है, माइनस मीन्स कि लॉस है, ठीक। ये 4 हमारा है प्लस में है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज प्रॉफिट, ठीक। नाउ अब आपको क्या सेल करना है, आपको सेल करना है 3 पेन्स, हमें क्या सेल करना है 3 पेन्स, ठीक है। जब 1 पेन को सेल करने पर हमें 4 रुपी का प्रॉफिट होता है, अगर हम इसको बोल दें कि हमें 3 पेन्स सेल करने हैं, क्या करने हैं 3 पेन्स सेल करना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा, है ना, 3 टाइम्स ऑफ 4, इट मीन्स दैट 3 × 4 प्रॉफिट होगा पूरा। और ये प्रॉफिट कितना है, 12, कितना है 12 रुपी, कितना जा रहा है 12 रुपी। दैट मीन्स अगर हमने 3 पेन सेल किया है तो हमें प्रॉफिट हो गया है 12 रुपी का, ठीक। और नोटबुक भी हमें सेल करनी है, देर आर 6 नोटबुक हमें सेल करनी है, तो दैट मीन्स अगर एक नोटबुक को सेल करने पे हमें 1 रुपी का लॉस हो रहा है, अगर हम उसी तरीके से 6 नोटबुक सेल करेंगे तो कितना लॉस होगा, 6 टाइम का लॉस होगा, हाँ 6 टाइम का लॉस होगा, दैट मीन्स 6 टाइम्स लॉस। तो 6 × -1 जो एक नोटबुक को सेल करने पर लॉस हो रहा था, ये 6 नंबर ऑफ नोटबुक है, तो 6 × -1 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, -6, है ना, हमें वैल्यू मिल गई -6 की, ठीक है। सो मीनिंग क्या है कि 12 रुपी का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, 12 रुपी का प्रॉफिट हुआ है और -6 रुपी का लॉस हुआ है, -6 का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल अगर आपको देखना है कि जब दोनों काम आपने एक साथ किया है, दोनों काम एक साथ किया है ना, हमने क्या किया है कि 3 पेन और 6 नोटबुक दोनों एक साथ सेल किया है, दोनों साथ सेल किया है, तो आपके आपको टोटल ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करें, जो दोनों हमारे क्वांटिटी आए हैं 12 और ये -6, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर ऐड करने पे जो भी आएगा दैट इज आर आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दें कि ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल कितना आएगा, ये जो 12 आया है और दूसरा ये -6 है, इन दोनों कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल के आ रहा है, ये 12 और प्लस इनटू माइनस -6, 12 माइनस सिक्स, ठीक है, 12 माइनस सिक्स हमें मिल जाएगा। इट मीन्स दैट अब देखिए इसके सामने कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो देखिए प्लस के सिंबल के लिए हमने ये प्रॉफिट लिया था, ठीक है, ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस ये सिंबल क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट। सो इट मीन्स दैट दीज आर ओवरऑल प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट है इसमें, है ना, ओवरऑल
प्रॉफिट है, ठीक है, क्लास कर ले, ओवरऑल प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक। तो बस यही हमारा आंसर कि हम लोग लिख देंगे कि आंसर क्या, आंसर में आएगा हमारा कि 6 रुपए प्रॉफिट, 6 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सपोज इसको ऐड करने पे अगर हमारी वैल्यू माइनस में आती, हमारी वैल्यू माइनस में आती तो उसकी मीनिंग ये होती कि हमें लॉस हो रहा है, लॉस वाला टर्म ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस टाइम में हमारा लॉस होता अगर माइनस में आता तो, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रही, इट मीन्स दैट हमें प्रॉफिट होगा, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13 ये सॉल्व करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 15 तो हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन क्वेश्चन नंबर 14 एट कश्मीर द टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर मंडे को था -2°C, आफ्टर विच इट रोज टू 4°C, इट रोज बाई 4°C, फिर ये 4°C राइज किया है ऑन ट्यूजडे, ऑन वेंसडे इट ड्रॉप्ड बाई 5°C, 5°C ये ड्रॉप किया है वेंसडे को। What was the temperature of Kashmir on Tuesday and Wednesday? Simple question है, अगर हम इसको number 9 की help लेकर के solve करेंगे तो easily solve हो जाएगा, ठीक है। चलिए number 9 की help लेकर के हम लोग solve करते हैं। इस type के जितने भी questions हैं, if you are trying to solve these questions with the help of number 9, you can solve it easily. आप इसको easily solve कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे questions हैं ये। So this is question number 14. Question number 14. अब ये नंबर 9 देखिए, इसमें राइज ड्रॉप इन सभी की बात हो रही है, दैट मींस हम यहाँ पे नंबर 9 अपनी वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में हमें नंबर 9 ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था नंबर 9 अपनी, ठीक है। सो दिस इज अ नंबर 9, ये हमारी नंबर 9 है और इस नंबर 9 को हमने वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ किया है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट्स काउंटिंग, इसकी काउंटिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, आप That is zero. This is zero. This is one. Zero के ऊपर हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now below zero we'll write negative values. This is -1. This is -2. -3, this is -4, this is -5, it is -6, now -7, this is -8, ठीक है ना, all these are integers and these integers are showing the value of temperature, ये हमारी values show कर रही है temperature को, ठीक है, that means this is a number line, ये एक number line, वो वाली number line है जो कि temperature show कर रहा है हमारा। तो 1, 2, 3, 4 इसकी मीनिंग ये है कि 1°C, 2°C, 3°C, तो जो ये टेम्परेचर हम आ रहे हैं ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 1°C, 2°C, 3°C, फिर -1°C, -2°C, ऐसे ही सभी वैल्यूज हैं नंबर 9 पे। नाउ अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एट कश्मीर, कश्मीर में द टेम्परेचर ऑन मंडे, अब मंडे को टेम्परेचर था -2°C, मंडे को टेम्परेचर था -2°C, तो दिस इज -2, ये हमारा है -2, इस दिन मंडे था, इस दिन हमारा मंडे था कश्मीर में, ठीक है, ये मंडे वाला दिन है, तो दिस इज मंडे, ठीक। अब नेक्स्ट डे आया मंडे के बाद ट्यूसडे आया, फिर ट्यूसडे को जब मेजर किया गया देखा गया कि इट वॉज रोज बाई 4°C, ट्यूजडे के दिन क्या हुआ कि 4°C रोज कर गया, रोज मीन्स के बढ़ गया है, ठीक है, रोज मीन्स बढ़ गया है, राइज की सेकंड फॉर्म, तो बढ़ गया है, बढ़ने के मीन्स ज्यादा हो गया है, ठीक, ज्यादा हो गया है, 4°C राइज किया है, इट मीन्स दैट आपको 4 स्टेप अब ऊपर की ओर जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, राइज होने की मीनिंग ये है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर अब 4 स्टेप आगे बढ़ना है, तो चलिए 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3,
फोर, जब हम फोर स्टेप आगे बढ़े हैं तो हम पहुंच गए हैं टू पे, टू पे पहुंच गए हैं, ये टू है, ठीक है। दैट मीन्स ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे के दिन टेम्परेचर जो मिला होगा वो कितना मिला है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ट्यूजडे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिला है ना। और इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ से ये देख रहे हैं तो ये क्या हुआ है, राइज किया है, ठीक है ना, राइज किया, कितना राइज हुआ है, राइज कितना हुआ है, ये राइज हुआ है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया है, ठीक है। ये इतना राइज मीन्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइज मीन्स के ऊपर जा रहा है, जो ये राइज किया है दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ये राइज किया है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर के ये रोज, रोज किया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं इधर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये सिंपल बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नंबर लाइन पर शो कर रहे थे ना ऐसे, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये राइज किया है तो 2 पे आ गए, दैट मीन्स ट्यूजडे को हमारा टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। नाउ फिर नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे को ये ड्रॉप कर गया है, नेक्स्ट डे को ड्रॉप कर गया है बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये ड्रॉप किया है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें 2 से कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप करना है। ड्रॉप मीन्स कि नीचे गिर गया है, कितना 5। इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन, कितना 5 स्टेप मूव करेंगे। तो यहाँ से 2 तक पहुँचे थे, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ गए, है ना, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर के पूरा हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए -3, ठीक है, यहाँ पे -3 आ गए। और ये क्या हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप किया गया है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप किया कर दिया। तो हम लोग का ये कब है, ये हमारा टेम्परेचर कब है, वेंसडे को, दैट मीन्स -3 पे आ गए। इट मीन्स दैट कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा मिल गया है वेंसडे को, ठीक है, वेंसडे को टेम्परेचर मिला है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर ऑन ट्यूजडे एंड वेंसडे, तो देख लीजिए अब नंबर लाइन पे, देखिए ट्यूजडे को हमारा कितना टेम्परेचर है ये हमें बताना है, ठीक। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो हमें मिल जाता है सिंपली कि ट्यूजडे के दिन टेम्परेचर हमारा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 के पास में है ना। और वेंसडे को टेम्परेचर हमारा ये -3 है, बस यही आंसर, यही हमें बताना था कि ट्यूजडे और वेंसडे को कितना टेम्परेचर मिल रहा है। तो आंसर हमारा, आंसर में क्या लिख देंगे, टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे कितना टेम्परेचर है, दैट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे दैट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये ड्रॉप कर गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सो इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries.